बहुत प्यारे बच्चों, हम कर रहे हैं व्याकरण, क्योंकि हमारा कोर्स आगे चल रहा है। तो हमने कुछ अभ्यास लिए हैं आपके लिए, जो कि क्रिया से संबंधित है। चलिए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं। तो निम्नलिखित वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उचित क्रिया शब्द छांटिए। अब बेटा, उचित क्रिया शब्द ये देखिए, एक, दो और तीन, हमें यहाँ से सही क्रिया शब्द को छांटना है। जैसे मोहन केले डैश रहा है। अब यहाँ पर तीन ऑप्शन आपके लिए हैं, खाता, खा, खाया। अगर हम लिखते हैं मोहन केले खाता रहा है, गलत लग रहा है। मोहन केले खाया रहा है, ये भी गलत लग रहा है। और ये है मोहन केले खा रहा है, तो ये यहाँ पर हमें खा भरना है। इसी तरह से हम सबको पढ़ते हैं, भरेंगे आप खुद ही बच्चों। सीमा क्रिकेट डैश है, तीन ऑप्शन आपके पास है, खेलेगी, खेलना, खेलती। बबलू डैश रहा है, क्या? रो, रोना, रोएगा। राधिका सफाई डैश रही है, क्या? करेगी, कर या फिर करना। पांचवा है, लड़कियां डैश रही है, क्या बेटा? हंसेंगे, हंसना, हंस। अब आप बोल बोल के भी अभ्यास करेंगे तो भी आपको ये समझ में आ जाएगा। मैं पानी डैश रहा हूँ, क्या? पीऊँगा, पी या फिर पिलाना। दीदी कपड़े डैश रही है, क्या बेटा? धोएगी, धो या फिर धोना रही है। अब सोचिए, पढ़िए, समझिए। आठवां है, अध्यापक छात्रों को डैश है, पढ़ता है, पढ़ाता है, ये पढ़ाया है। नवां है, नदी डैश रही है, क्या? बही रही है, बह रही है या बहेगी रही है। दसवां है, श्याम खिलौने से डैश रहा है, खेलना रहा है, खेल रहा है या वह खेलेगा रहा है। ग्यारहवां है बच्चों, माँ पूजा डैश है, करती है, कर है, करेगी है। सही क्रिया के रूप को आपको भरना है। बारहवां है, माली पौधों में पानी डैश है, देता है, दे है, देती है। यानी आपको क्रिया का सही शब्द छांटना है और कॉपी पे लिखना है। तो ये आपका आज का काम है, इसे बहुत ध्यान से अपनी कॉपी पर लिखो और समझो, समझो और लिखो। ठीक है बच्चों, तो चलिए इतना ही।